क्या शानदार लाइटिंग है। ऐसा लाइटिंग बाइक में आप कभी नहीं देखे होंगे। ये बिल्कुल सिंपल और सस्ता और बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं ऐसा लाइट। इसको लगाने के लिए देख सकते हैं मेरे पास एक लाइट है। ये 12 वोल्ट की LED लाइट है, ब्लू लाइट। तो हम जस्ट हेडलाइट के नीचे लगाएंगे क्योंकि आगे की पहिए की हमारी पूरी सृजना दिखाई देगी दूसरे लोगों की। जैसे आगे कोई आता है तो हमारा चक्का दिखाई देगा कि हाँ हमारा एक बाइक आ रहा है। एक चक्का दिखाएगा तो एक बाइक आएगा, तो इससे खतरा भी टल जाएगा। तो इसको लगाने से पहले देख सकते हैं हम नीचे इसको फिट करेंगे, या डबल टेप से आप लगा सकते हैं, या आप इसको तार से यहाँ पे बांध सकते हैं। वहाँ पे जगह होता है लगाने के लिए, तो इस तरह हम लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लेट है, यहाँ पे हम तार लगाकर इस बल्ब को यहीं पे लगा देंगे। तो ये सीधा नीचे हमारा रोड पर फोकस मारेगा। और साइड में देख सकते हैं प्लेटिना में ऐसा कवर मिलता है साइड में, यहाँ पे स्विच आप लगा सकते हैं। हमने लगाया है, ये कंपनी नहीं दी है। इससे कवर को हम निकालेंगे, छोटा सा टुकड़ा होता है, ये आसानी से निकल जाएगा। और ये निकाल कर इसमें हमने ये पहले से स्विच फिट किया था, तो यहाँ पर हम स्विच ऐसे फिट कर लेंगे। दोनों तरफ आप लगा सकते हैं, दोनों तरफ ऐसा सिस्टम होता है। तो ये स्विच का दो हम वायर है इसमें, तो एक वायर हम बल्ब का पॉजिटिव लगा देंगे, जोड़ देंगे इसमें, जो लाइट का हमारा पॉजिटिव आ रहा है उसे स्विच के एक वायर में हम पॉजिटिव लगा देंगे। और दूसरा स्विच का जो वायर निकल रहा है वो बैटरी से सीधा पॉजिटिव आकर हमारा लग जाएगा, और एक निगेटिव डायरेक्ट बल्ब के लाइट में वायर में कनेक्ट हो जाता है। वायर हम सीधा हैंडल से लेके बैटरी के पीछे बैटरी के साथ ले जाएंगे। तो प्लेटिना में सीट के नीचे बैटरी होता है, तो सीट के नीचे हम इस वायर को ले जाते हैं। तो इस वायर को हम ले गए। अब चलिए सबसे पहले हम बल्ब का वायरिंग कर लेते हैं। तो एक तो पॉजिटिव हमारा बल्ब का लग गया है स्विच में, तो दूसरा स्विच का जो दूसरा स्विच का वायर है वो बैटरी से जो पॉजिटिव आ रहा है उसमें हम ज्वाइंट कर देंगे, उसमें ज्वाइंट करके। और उसके बाद जो हमारा बल्ब का नेगेटिव है और बैटरी का नेगेटिव दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे। तो स्विच से हमारा कटेगा और स्विच से चालू होगा, स्विच से ऑफ होगा, बैटरी हमारा डायरेक्ट लगा होगा, स्विच से हमारा काम का होगा। तो इस तरह लगा सकते हैं, तो खतरा भी टल जाएगा, कोई चलान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कोई चलान नहीं करेगा, क्योंकि इससे हमारा कोई दूसरे की क्षति नहीं पहुंच सकता। क्योंकि और सावधानी बरत सकते हैं इससे कि दूसरों को पता लग जाएगा कि एक बाइक ही आ रहा है, कोई फोर व्हीलर नहीं आ रहा है। इस तरह आगे चक्का दिखाई देगा कि हाँ भाई एक बाइक आ रहा है, तो आगे वाला बंदा समझ जाएगा हाँ इतना ही साइड हमें देना है। चलिए हम लगा दिया और बैटरी का कनेक्शन कर लेते हैं। बैटरी का कनेक्शन करने के लिए प्लस और माइनस दोनों हम अलग अलग तार लगा देंगे। जो हमारा पॉजिटिव पीछे आगे से आया है वो पॉजिटिव में लगा देंगे, और माइनस में हम लगा देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है तरीका, सिंपल से आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। तो ये वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप चलिए इस कवर देख सकते हैं कि हमने चालू कर दिया, कितना ब्लू लाइट बिल्कुल रोड पे मारेगा और चक्का पूरा दिखाई देगा आगे वाला। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अब चलिए कवर को हम फिट कर लेते हैं, कवर को हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं इस तरह। अब रात में आपको दिखाएंगे कि कैसा ये दिखाई देता है, इसका नज़ारा क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, बहुत ही, यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट, ब्लू लाइट पूरे रोड पे छाप लेगा और आगे वाले बंदे को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, कोई आँख पे नहीं पड़ेगा और सीधा रोड पे फैलेगा ये ब्लू लाइट। कितना शानदार लग रहा है, लगता है कोई चादर भी छाया हुआ है, ब्लू ब्लू चादर, देख सकते हैं कितना शानदार।